आप लोग सब ठीक होंगे तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ आप लोगों से बहुत ज़्यादा। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का। तो आज मैं अपने बच्चों से आपको मिलाना चाहती हूँ जो कि बोल नहीं सकते, मुझे बहुत प्यारे हैं। तो कैसे मैं उसका ख्याल रखती हूँ, कैसे उनको बढ़ाती हूँ, उनकी नस्ल कैसे बढ़ रही है, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पसंदीदा मेरे पौधे, तो जैसे कि ये मेरे पौधे हैं, आप लोग देख सकते हैं मुझसे काफी बड़ा हो गया है ये। तो पहले छोटे छोटे थे तो अभी काफी बड़े हो गए, लंबे लंबे हो गए। अभी भी छोटे भी है, लंबे भी है, हर एज के बच्चे मेरे हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको कैसे मैं पानी देती हूँ, कैसे इसको शावर देती हूँ, खुराक कैसे देती हूँ, तो ये सब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे ये है, ये बेचारा बहुत अभी तो खराब हो गए। आज मैं मनी प्लांट के बारे में सिर्फ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि मनी प्लांट में कैसे उसका केयर करती हूँ और कैसे उससे कट करके नए रूट उससे में कैसे बनते हैं और फिर उसको गमले में कैसे लगा के वो फिर बड़ा कैसे होता है। तो मेरा मकसद आज सिर्फ मनी प्लांट का है, तो सिर्फ अपने पौधे थोड़े से दिखाना चाहती हूँ कि वो भी आप लोग देख ले। उसके बाद फिर अगले पौधे भी बात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो एक ये मेरा बच्चा है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा छोटा है, अभी तकरीबन 5 साल का है, ये काफी जवान हो गया, 18 से शायद ऊपर है। ये भी मेरे छोटे छोटे हैं, इसको ऐसे पानी में मैंने रखा है। जैसे ये हो गया, ये तो काफी छोटा है, ये भी थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। तो जब इतना बढ़ जाता है फिर इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। यहाँ से लेकर इस मरले तक थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर इसके बाद जो है वो ग्रोथ थोड़ी सी स्पीड हो जाती है। तो ये भी बड़ा हो गया है थोड़ा सा, तो इसकी भी अब स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी। और एक ये मेरा बच्चा, इसके पत्ते काफी खूबसूरत बड़े बड़े से हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इसके पत्ते काफी बड़े खूबसूरत से हैं। और एक साइड पे अभी ये भी छोटे से थे, इतने तकरीबन बहुत काफी छोटे थे, जैसे वो मैंने रखे वहां पे तो इतने से तो ये थे, ये कट करके लगाए थे, अभी यहाँ फिर दोबारा निकल आए। तो ये भी इसी तरह है, ये देखें यहाँ से कट करके मैंने किया था तो ये अभी अभी जो ये इसका बढ़ गया है। इसी तरह इस सब का है, इसको भी यहाँ से कट मिला है, देखो यहाँ से कट मिला है, तो ये अभी उसकी जो है वो नया उसका थन्ना बना है, जड़ जड़ नहीं थन्ना कहते हैं थन्ना। तो ये सारे जो बड़े यानी इनकी नस्ल बड़ी है, गमले मेरे बढ़ गए। ये सिर्फ 2 गमले थे जो मेरे हस्बैंड ने मुझे मुझे गिफ्ट दिए थे, वो लेके आए थे मेरे लिए। तो इनका केयर कर करके तो ये पूरे सारे उससे बने, सिर्फ 2 गमलों से बने। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है बंदे को अगर पौधे आप लगाए, कोई सब्जियां छोटी छोटी मोटी हो, कोई बड़ी नहीं हो, कोई इस तरह नहीं हो, तो एक ही गमला आप लेके आए घर में, उसकी देखभाल शुरू करें। इतना ज्यादा काम भी नहीं होता, लेकिन आपको जो सुकून और जो खुशी मिलती है वो उसकी बदल कोई चीज शायद ही ना हो। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब उसको पानी देती हूँ, उससे के पत्ते जो है बड़े होते हैं, उसके और पत्ते निकल आते हैं। तो ये खुशी आप लोगों के साथ मैं बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप शायद तभी महसूस कर रहे होंगे जब आप खुद के पौधे लगाएं, तो आप इंशाल्लाह कदम उठाए पौधे लगाएं, खुशी बहुत ज्यादा मिलती है और घर भी खूबसूरत रहता है। तो ये भी यहाँ से इसको कट किया था मैंने,
यहाँ से इसको कट करके ये नई जड़ उसकी भी बनी है, तो इसको भी कट किया है, ये भी नया बना है और इसको भी किया है कट, लेकिन इसका यहां से नहीं निकला, इसका यहां से निकला है इस साइड पे, लेकिन अच्छा लग रहा है। देखो एक छोटा एक बड़ा और ये काफी बड़ा हो गया है, तो ये पहले भी इसी तरह था, यानी इस तरह मैंने लगाया था, तो ये अब काफी बढ़ गया है, इसकी यहां से निकल आई है, तो इस वाले की भी वहां से भी निकल आई है थोड़ी सी, यहाँ से अभी थोड़ी सी बढ़ रही है क्योंकि दो साइड पे निकली है, तो इस वजह से ये वाला फिर थोड़ी सी अभी थोड़ा सा बढ़ेगा तो फिर स्पीड पकड़ेगा, लेकिन शुरू शुरू में ये बहुत जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है, जब पहली उसकी नस्ल पड़ती है फिर पहला पत्ता पड़ता है तो फिर वो बहुत यानी टाइम थोड़ा सा लेता है। एक मेरा ये पौधा है, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला है, मुझे किसी ने दिया, बहुत प्यारा है, तो इस पे अभी रिसर्च कर रही हूँ, तो तकरीबन एक महीना हो गया है, मैं तो डर रही थी कि ये मुरझा ना जाए, इसके पत्ते खराब ना हो जाए, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ये वाला फूल तो इसको इसका यही पे निकला है और अभी ये यहाँ से निकल रहा है, तो मेरी कोशिश है कि इसको भी मैं बचा सकूँ और फिर और भी लेके आऊंगी इसी तरह के, अगर ये मुझसे इसकी परवरिश हो गई। जैसा कि ये है, ये भी बहुत काफी छोटा था, इसके भी देखो सारे यहां से निकल आए, ये भी यहाँ पे मैंने कट लगा के रखा था, जो सारे वो पहले मैं कैसे उसको कट करती हूँ फिर कैसे उसको रखती हूँ कि उसके रूट निकल आए, तो ये सारा मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगी, पहले सिर्फ मैं ये फूल दिखा देती हूँ कि ये सारे जो है ये मैं जैसे जिस तरीके से मैंने कट करके उसको लगाए तो ये उसी के जो है वो उससे बने गमले। और एक ये है, ये भी बहुत प्यारा है, तो कोई ऐसा गमला वगैरह नहीं है, ये मेरा टिपर था तो उसका ढक्कन जो था वो टूट गया, तो मैंने जाया नहीं किया, उसमें ये मेरा गमला उसमें रख दिया, तो काफी खूबसूरत लग रहा है। बोतले जो बोतले थी वो भी इसी तरह ऑयल की थी, वो मैंने धो के साफ करके उसको भी उसमें भी अपने पौधे लगाए ताकि उसके रूट निकल आए और खूबसूरत भी लगते हैं बहुत ज्यादा। और एक ये मेरा काफी बड़ा हो गया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप भी लगा सकते हैं, आप भी ये खुशी हासिल करें, बहुत प्यारा होता है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। नीचे से ऊपर तक आप लोग देख सकते हैं, और ये भी बताती चले कि ये मकराम भी मैंने खुद बनाया है, तो मैं खुद देख कर के फिर कोशिश करती हूँ, उसमें मोतिया भी मैंने लगाई है, अभी करीब में करके आपको दिखाऊंगी वो ऊपर करके, कि ये वो भी फिर आइंदा में भी आप लोगों को वो भी फिर सिखाऊंगी कि ये कैसे मैं बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आप लोगों को मकराम भी बनाती के दिखाती रहूंगी, आप सिर्फ वो नोट सीख ले फिर आगे आप अपनी मर्जी से जो है वो उसको डिजाइन कर सकते हैं, तो मैंने भी सिर्फ वो जो उसका गिरा कैसे लिखता लगता है और नोट एक जो स्टेप होता है फर्स्ट वो सीखा है, बाकी मैं खुद डिजाइन करती हूँ फिर।